हेलो दोस्तों, एक बार फिर मैं आपके लिए लाया हूँ बहुत ही मज़ेदार कहानी। यह कहानी शुरू होता है कोलकाता के पास बसे एक छोटे से गांव से। उस गांव का नाम सुंदरपुर था और उस गांव में एक मौसम नाम का आदमी रहता था। वह रोज़ समुद्र से मछलियाँ पकड़ के लाता और उनको बेचकर वह बहुत सारा पैसा बनाता था। इस तरह सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन एक दिन वह मछलियाँ पकड़ते पकड़ते समुद्र में बहुत दूर चला जाता है और एक अनजान टापू पर पहुंच जाता है। वहाँ पर जाके वह सोचता है, अरे ये कैसा टापू, ये तो पहले मैंने कभी नहीं देखा, थोड़ा अलग लग रहा है, ऐसा वह सोच रहा था। उस टापू पे कुछ 3 छोटे छोटे आदमी छुपकर उसको देख रहे थे। तभी मौसम की नज़र उन छोटे इंसानों पे पड़ती है और वह उन छोटे इंसानों का पीछा करने लगता है। बहुत देर तक दौड़ाने के बाद मौसम एक आदमी को पकड़ लेता है और उसमें से 2 छोटे आदमी उस पेड़ के पीछे छुप जाते हैं और वहां से देख रहे होते हैं और बहुत गुस्सा कर रहे होते हैं। तभी मौसम उस छोटे इंसान को पकड़ के बोलता है, वाह कितने मासूम हो तुम लोग, तुम्हारा खेल दिखाकर मैं बहुत पैसा बना सकता हूँ। अब मैं तुमको अपने गांव में लेकर जाऊंगा और तुम्हारा खेल दिखाकर बहुत पैसा कमाऊंगा। ऐसा वह उस छोटे आदमी को बोल रहा था और उधर 2 छोटे आदमी उसको बचाने के लिए धीरे से प्लान बना रहे थे। उसके बाद वह मौसम के ऊपर चढ़ जाते हैं और उसको परेशान करने लगते हैं। तभी मौसम एक छोटे आदमी को ऊपर फेंक देता है और थोड़ी देर बाद उस छोटे आदमी को वह कैच कर लेता है। इस तरह मौसम उन छोटे इंसानों को बहुत परेशान करता। तभी वह छोटा इंसान बोला, देखो हमको जाने दो, ज़्यादा परेशान मत करो, ज़्यादा परेशान करोगे तो मैं तुमको श्राप दे दूंगा। ऐसा कहकर वह छोटा इंसान मौसम को श्राप दे देता है और अपने शक्ति से उसके ऊपर वार कर देता है। मौसम एकदम परेशान हो जाता है और इधर उधर तड़प के हिलने डुलने लगता है। मुझको माफ़ कर दो, मैं तुमको परेशान नहीं करना चाहता था, ऐसा कहकर वह माफ़ी मांगने लगता है। लेकिन तभी वह छोटा इंसान कहता है, देखो अब तो मैंने श्राप दे दिया है, अब कुछ नहीं हो सकता, तुम यहाँ से वापस चले जाओ नहीं तो हम लोग और श्राप दे देंगे। ऐसा कहकर वह उस आदमी को बहुत डराते हैं और मौसम वहाँ से दुखी होकर अपने घर की ओर निकल जाता है। उधर उस टापू पे वह तीनों आदमी बात कर रहे थे, तुमने सही नहीं किया उसको श्राप देके, वह तो बहुत परेशान लग रहा था, चलो जाने दो। मौसम दुखी होकर नाव लेकर अपने गांव सुंदरपुर वापस चला आता है और वह बहुत ही दुखी होता है। रात का समय था और चारों ओर सन्नाटा छाया हुआ था। तभी मौसम के ऊपर उस श्राप का असर होने लगता है और थोड़ी देर बाद वह एक छोटे इंसान में बदल जाता है। सुबह सुबह जब मौसम उठता है तो अपने आप को छोटा पाकर वह बहुत दुखी होता है और उसको समझ में नहीं आता है कि वह क्या करे। गांव वाले भी उसको ऐसा देखकर बहुत हैरान हो जाते हैं और उसको हमेशा पूछते रहते हैं कि ये कैसे हुआ। इस तरह वह बहुत दुखी था और उसको समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। दूसरी तरफ कई हजारों साल पहले एक प्रतापगढ़ नाम का राज्य था और उसका शासन विक्रम सिंह नाम का राजा किया करता था। विक्रम सिंह की बेटी बहुत ही सुंदर थी और वह रोज़ अपना घोड़ा लेकर जंगल में घूमने निकल जाया करती थी। वह जंगल में बहुत दूर तक चला जाया करती थी और वहाँ पर जाके वह नाच गाना किया करती थी। उसको देखकर जंगल के सभी जानवर उसके तरफ खींचे चले आते थे और उसके चारों ओर घूमते रहते हैं। इस तरह कई दिन बीत गए और एक दिन राजकुमारी अपना घोड़ा लेकर जंगल के पास से वापस घर जा रही थी। तभी उसने रास्ते में देखा कि एक घायल बाघ जमीन पर गिरा पड़ा है। वह उस बाघ के पास जाती है और उसके पैर से तीर को निकाल देती है। तीर के निकलते ही वह बाघ वहां से भाग जाता है। इस तरह राजकुमारी रोज़ उस जंगल में आती और उसके चारों ओर सभी जानवर बैठ जाते हैं और उसको देखने लगते हैं।
एक दिन इसी तरह राजकुमारी जंगल में आई थी और एक शिकारी का नज़र उस पर पड़ जाता है। धीरे धीरे उस शिकारी को राजकुमारी से प्यार हो जाता है। एक दिन शिकारी राजकुमारी के पास जाता है और उसको अपने दिल की बात कह देता है, लेकिन शिकारी के हाथ में तीर और बाण देख के राजकुमारी पूरी बात समझ जाती है और उसको पता चल जाता है कि जंगल में शिकार कौन कर रहा है और वह सीधा मना कर देती है। शिकारी को राजकुमारी पे बहुत गुस्सा आता है और वह सबक सिखाने का सोचता है। वह अपने दानव दोस्त के पास जाता है और कहता है, देखो मेरे पास तुम्हारे लिए बहुत अच्छा काम है, एक इंसान को सबक सिखाना है, चलो मेरे साथ। ऐसा कहकर वह दानव को उस राजकुमारी के पास लेकर आता है। वहाँ पर राजकुमारी के चारों ओर बहुत सारे जानवर इकट्ठा होते हैं। वह दानव उन पर हमला कर देता है और सारे जानवर और राजकुमारी को एक पत्थर के अंदर कैद कर लेता है। फिर उसके बाद वह दानव उस पत्थर को उठाकर फेंक देता है। वह पत्थर सीधे उड़ते हुए समुद्र में चला जाता है। वह जादुई पत्थर कई सालों तक समुद्र के अंदर तैरता रहता है और एक दिन उस टापू पे आ जाता है जहाँ पर वह तीनों छोटे छोटे इंसान रहते थे। एक दिन वह उस पत्थर को देखते हैं और कहते हैं, देखो यह कोई जादुई पत्थर लगता है, हमको इस पत्थर को छूना नहीं चाहिए, कुछ भी हो सकता है। इस तरह बहुत देर तक वह आपस में बहस करते हैं और उसके बाद आखिरी में उस पत्थर को उठाकर लेकर जाने लगते हैं। थोड़ी देर बाद वह उस पत्थर को एक जगह रख देते हैं और उनमें से एक छोटा इंसान उस पत्थर को देखने के लिए उसके अंदर हाथ डालता है और हाथ डालते ही वह पत्थर उसको अंदर खींच लेता है। इस तरह बाकी दो बहुत परेशान हो जाते हैं और अपने दोस्त को बचाने के लिए मौसम के पास आने का सोचते हैं। वह एक छोटा सा नाव बनाते हैं और जादुई पत्थर को लेकर मौसम के गांव में आ जाते हैं। उस जादुई पत्थर को लेकर वह मौसम के पास जाते हैं। मौसम वहां पर अपने बिस्तर पे एकदम नाराज बैठा हुआ था और छोटे इंसानों को देखकर एकदम चौंक जाता है। देखो हम लोग तुमको ठीक कर सकते हैं, तुम वापस बड़े इंसान बन सकते हो, लेकिन उसके लिए तुम्हें हमारी मदद करनी पड़ेगी। हमारा एक दोस्त इस जादुई पत्थर में फंस गया है, तुम उसको बचाओ, हम तुम्हें वापस बड़ा कर देंगे। तभी मौसम बोला, हाँ हाँ ठीक है, मैं तुम्हारी सहायता करूँगा, लेकिन तुम लोग वादा करो कि तुम लोग मेरे को वापस बड़ा इंसान बनाओगे और धोखा नहीं दोगे। उसके बाद मौसम उस जादुई पत्थर के अंदर कूद जाता है। जिस छोटे इंसान को जादुई पत्थर ने अंदर खींच लिया था, वह अंदर जाके देखता है कि उसके अंदर एक जादुई खेल है और उसको जीत के ही बाहर आया जा सकता है। फिर वह खेल को खेलना शुरू कर देता है और धीरे धीरे आगे बढ़ने लगता है। थोड़ी देर तक चलने के बाद वह एक जगह रुक जाता है और एक सीढ़ी आती है, उस पे कूद के सीढ़ी के सहारे वह ऊपर चला जाता है और वहाँ पर एक दानव उस पे हमला करके उसको पकड़ लेता है और कैद कर लेता है। इस तरह वह जीत नहीं पाता खेल को। मौसम भी उस जादुई खेल के अंदर आ जाता है और उसको खेलना शुरू कर देता है। उसको एक जादुई तलवार मिलता है और वह उस तलवार को लेकर आगे बढ़ने लगता है। थोड़ी देर बाद वह उस दानव के पास पहुंचता है और उसके गर्दन में मार देता है। वह दानव वहीं पर मर जाता है। उसके बाद मौसम अपना तलवार लेकर आगे बढ़ता है। धीरे धीरे वह एक एक करके बहुत सारे दानों को मार रहा था और आगे बढ़ते जा रहा था। तभी उसने एक और दानव मारा और वहाँ पर देखा कि कुछ जंगली जानवर और वह छोटा इंसान वहाँ पर फंसा हुआ है। उस छोटे इंसान ने मौसम से कहा, देखो यह एक जादुई खेल है और इसके अंदर बहुत सारे जानवर फंसे हुए हैं और एक राजकुमारी भी फंसी हुई है। तभी वह मौसम बोलता है, ठीक है तुम चिंता मत करो, मैं सबको बचाऊंगा। जिस जानवर को मौसम बचाता है वह धीरे धीरे उस पत्थर से बाहर आने लगते हैं। भालू बाहर आ जाता है और
वह छोटा इंसान भी बाहर आ जाता है जो वहाँ फंसा हुआ था। इस तरह एक एक करके बहुत सारे जानवर उस जादुई पत्थर से बाहर आने लगे। मौसम एक एक करके सभी दानों को मारता जा रहा था और बहुत सारे जंगली जानवरों को बचा रहा था। वहाँ पर बाघ, शेर और बहुत सारे जानवर फंसे हुए थे। धीरे धीरे बहुत सारे दानों को मार के वह बहुत सारे जंगली जानवरों को बचा लेता है और आखिरी में एक बाघ के ऊपर बैठ के खेल के आखिरी तक पहुंच जाता है। वहां पर वह देखता है कि एक बहुत ही खतरनाक छिपकली वहां पर है और छिपकली के पीछे राजकुमारी फंसी हुई है। मौसम और बाघ उस राजकुमारी को बचाने के लिए प्लान बनाते हैं और थोड़ी देर बाद वह बाघ उस छिपकली पे हमला कर देता है और उसका गर्दन पकड़ लेता है। उसके बाद मौसम दौड़ते हुए उस छिपकली के ऊपर जाता है और तलवार से कई बार उसके ऊपर हमला करता है। थोड़ी देर बाद वह छिपकली मर के नीचे गिर जाती है। इस तरह मौसम वह खेल जीत जाता है और उसके जीतते ही उस खेल से सभी लोग बाहर आ जाते हैं। सभी जानवर उस पत्थर से बाहर आने के बाद जंगल में भाग जाते हैं। मौसम भी उस पत्थर से बाहर आ जाता है और उसके बाहर आते ही वह छोटे इंसान मौसम को वापस बड़ा बना देते हैं। मौसम और राजकुमारी दोनों शादी कर लेते हैं। दोस्तों, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें।